हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजीत मंडल है और आप हैशटैग फैक्ट के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक जब आता है तो ये सब कुछ तबाह करके रख देता है, ये बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को गिरा देता है। तो दोस्तों, इसमें ये होता है कि जो लोग वहाँ रहते हैं वो उसी के कचरे या मलबे के अंदर फंसे रह जाते हैं और जो रेस्क्यू टीम होती है उनको ईजिली ढूंढ नहीं पाती है। पर दोस्तों, क्या आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जानते हैं जो कि एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है जिससे कि इस वक्त जो है ये सर्वाइवर के हार्ट बीट को और ब्रीदिंग को डिटेक्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, ये जो हार्ट बीट डिटेक्टिंग डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम फाइंडर है, जो कि एक माइक्रोवेव रडार टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होके ये काम करता है। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, अगर इसकी इफिशियंसी की बात करें तो दोस्तों ये 20 से 30 फीट की कंक्रीट की दीवारों के पीछे भी सेंस कर सकती है। और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल 2015 में हुआ था, जबकि नेपाल में जो है अर्थक्वेक के सर्वाइवल को इसी डिवाइस से बचाया गया था। दोस्तों, हम डिस्काउंट लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड और तरीकों का यूज़ करते हैं, चाहे किसी कूपन का यूज़ करते हैं या किसी फेस्टिवल सीजन का वेट करते हैं या तो न्यू ईयर एंड होने का और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने का भी वेट करते हैं। पर दोस्तों, क्या आप एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं जो कि एक यूनिक तरीके से ही आपको डिस्काउंट देती है? दोस्तों, अपने कस्टमर को यूनिक तरीके से डिस्काउंट देने वाले इस रेस्टोरेंट का नाम मंगोलियन मास्टर है, जो कि मलेशिया में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, इन रेस्टोरेंट वालों ने अपने ही रेस्टोरेंट में एक डिस्काउंट बोर्ड लगा रखा है जिसपे कि 10%, 20%, 30%, 50% या 100% का भी डिस्काउंट आप ले सकते हैं। और जैसे जैसे जो डिस्काउंट है वो बढ़ता जाएगा, जो आपके पैसेज का है जो विर्थ है दोस्तों वो कम होता जाएगा और कस्टमर को डिस्काउंट लेने के लिए इसी पैसेज में से गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो पहले ट्रेडिशनल तरीके के इलेक्ट्रिकल बल्ब होते थे उनको आजकल CFL और LED ने पूरी तरीके से लगभग रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इन कंपनी का दावा है कि ये बहुत ही पावर इफिशियंट होती है और इनके जो बल्ब है वो लाखों आवर्स तक चलते हैं। और ये बात कई हद तक सही भी है। पर दोस्तों, क्या आप दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्ब के बारे में जानते हैं जो कि 100 सालों से भी ज्यादा चल रही है और अभी तक खराब नहीं हुई है? जी हाँ दोस्तों, कैलिफोर्निया के लिवरमोर शहर में एक इलेक्ट्रिकल बल्ब जो 1901 से आज तक भी जल रही है और वो अभी तक भी उस पे कोई डिफॉल्ट नहीं आया है। तो आप सोच सकते हैं कि पहले की टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल बल्ब को बनाने के लिए कैसी रही होगी। कभी ना फूकने वाले या फ्यूज होने वाले इस इलेक्ट्रिकल बल्ब को दोस्तों लिवर रोम के इस शहर में एक फायर स्टेशन पे इंस्टॉल किया गया था और ये 1901 से अभी तक जल रहा है। और इसकी जो दोस्तों हिफाजत के लिए वेब कैमरा से इस पे निगरानी रखी जाती है और इसकी अपडेट भी ली जाती है कि इस पे कोई तरीके से प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, ओलंपिक लोगो में जो इंटरलॉक्ड सर्कल होते हैं उसके बाद अगर कोई इंटरलॉक्ड सर्कल फेमस है तो वो है ऑडी का। जी हाँ दोस्तों, आप मैं बात कर रहा हूँ जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी ऑडी की, और ये लग्जरियस कारें बनाती है। पर मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऑडी में चार सर्कल ही क्यों होते हैं? दोस्तों, ऑडी में जो ये चार सर्कल है ये चार अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और जिनका की मर्जर 1932 को किया गया था। जो पहला सर्कल है वो ऑटोमोबाइल कंपनी के ऑडी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा है दोस्तों वो DKW कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, और जो तीसरा सर्कल है दोस्तों वो हॉर्स के लिए है, और जो चौथा सर्कल है वो वांडरर ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और अननोन फैक्ट को जानने के लिए हैशटैग फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नॉर्मली जो हमारी इंडियन करेंसी होती है और पर्टिकुलरली कॉइन्स जो होते हैं दोस्तों, उनकी जो डेंसिटी होती है ना वाटर से है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम अगर किसी भी कंट्री के मोस्टली अगर कॉइन को अगर पानी में डालेंगे ना, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से पानी से तो वो पानी में डूब जाएगा। पर दोस्तों, क्या आप ऐसे एक कंट्री के सिक्के के बारे में जानते हैं जिनका कि सिक्का पानी में डूबता नहीं है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान की करेंसी यानी कि एन की। और दोस्तों, जो उनका 1 एन का जो कॉइन होता है दोस्तों, वो पानी में नहीं डूबती है, क्योंकि जो इसका मटेरियल है वो एल्युमिनियम से ये कॉइन बना होता है, जिससे कि बहुत लाइट वेट होता है और इसकी डेंसिटी पानी से हल्की होती है और जो पानी के सरफेस टेंशन को ये ब्रेक नहीं कर पाती है। इसी वजह से जब आप 1 एन को जो है वो पानी में रखेंगे तो ये डूबने के वजह ये तैरती रहेगी।
दोस्तों 21वीं सदी का इंसान मार्स पे जाने की बात करता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे भी रहने की और बसने की बात करता है, यानी कि हम कॉलोनाइज होना चाहते हैं किसी दूसरे ग्रह पे। पर दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि अगर वहाँ पे कोई बेबी बर्थ हो जाता है या हो जाएगा इन फ्यूचर, तो फिर उस बेबी का आइडेंटिटी, यानी कि जो कोई आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे कि हमारा आधार कार्ड हम यूज करते हैं या पासपोर्ट यूज करते हैं, तो उस पासपोर्ट में क्या चेंजेस किए जाएंगे। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब तक हम अपने आई कार्ड, जैसे कि पासपोर्ट या दूसरे आई कार्ड में जो है, हम अपने बर्थ को बाय डिफॉल्ट अर्थ ही समझते हैं, राइट। पर दोस्तों अगर फ्यूचर में कोई बेबी मार्स में या किसी दूसरे प्लेनेट में जन्म होता है उसका, तो हमारे जो आई कार्ड या पासपोर्ट में है दोस्तों, एक और कॉलम ऐड हो जाएगा और वो कॉलम ये बताएगा कि आखिर इस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, या मार्स पे हुआ है, किसी दूसरे प्लेनेट पे हुआ है या अर्थ पे हुआ है। फ्रेंड्स, हम सब मदर्स डे बहुत ही हैप्पीनेस और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मॉमी एक ऐसी इंसान होती है हमारे लाइफ में दोस्तों, जो कि हमसे सबसे ज़्यादा शायद प्यार करती है और हमारा केयर भी वो उसी तरीके से रखती है। पर क्या दोस्तों आप एक ऐसे मेडिकल मिरेकल के बारे में जानते हैं कि जिसने कि सबसे कम उम्र की माँ एक 5 साल 7 महीने की बच्ची को बना दिया। 1939 में मेडिकल में एक दोस्तों अनबिलीवेबल सरप्राइज से भरा हुआ एक ऐसा इवेंट हुआ, जिससे कि पेरू में रहने वाली एक छोटी सी लड़की जिनका नाम लीना मदीना था, वो प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने अपने एक हेल्दी बच्चे को भी जन्म दिया। इतने कम उम्र में, इतने छोटी सी लड़की में हार्मोनल चेंज को देखते हुए और गर्भ को धारण करने की कैपेबिलिटी देखते हुए दोस्तों, मेडिकल हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज हो गया और ये इस तरीके से सबसे कम उम्र की मां का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। दोस्तों सड़कों पे एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम ट्रेडिशनल इमूवेबल बैरियर का यूज़ करते हैं, और इनका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस ये होता है कि जब व्हीकल इससे टकराती है तो इतना इम्पैक्ट लोड ये झेल नहीं पाती है, और इसी वजह से इनको तोड़ के अपने बाउंड्री से निकल जाती है, और जिससे कि एक एक्सीडेंट होने का चांसेस हमेशा ही बना रहता है। पर दोस्तों क्या आप एक ऐसे शॉक एब्जॉर्बिंग रोलिंग बैरियर के बारे में जानते हैं, जिससे कि अगर गाड़ी बहुत ही हाई इम्पैक्ट के साथ टकराती भी है तो गाड़ी बाउंड्री को पार नहीं कर पाती है, और इससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आखिर ये काम कैसे करता है? तो दोस्तों इसमें एक रोलर लगा होता है जो कि हाई इंपैक्ट लोड को, जबकि गाड़ियां हमारे बैरियर से टकराती है, तो उसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इसमें 2 रेल लगे होते हैं, जो कि एक फ्रंट रेल होता है और पीछे बैक रेल लगा होता है, जो कि सेकेंड और थर्ड इम्पैक्ट को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। और इसके अलावा एक मेटल पाइप भी इसी रोलर पे इंसर्ट रहता है, जिससे कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, और इसी वजह से जो भी कोई भी गाड़ी या व्हीकल इससे टकराती है तो ये अपने बाउंड्री को पार नहीं होती है, और बल्कि ये ऑटोमेटिक ही इससे टकरा के रीडायरेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों सेफ्टी एरिया में इस तरीके की इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी को देख के आपको क्या फील होता है? क्या ये फ्यूचर में हेल्पफुल हो सकती है? तो आप अपना जो सजेशन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस चैनल को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर सकते हैं। दोस्तों हम सब एप्पल के प्रोडक्ट जैसे कि आई मैक, आई फोन या आई पैड यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी और जो इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो बहुत ही हाई लेवल पे होती है। पर दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है जो इन सब प्रोडक्ट के जो इनिशियल लेटर जो कि आई है, उसका क्या मतलब होता है? दरअसल दोस्तों जब 1998 में आई मैक को लॉन्च किया गया था, तो स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था जो इन एप्पल के प्रोडक्ट में आई वर्ड होता है उसका मतलब इंटरनेट होता है, क्योंकि उस टाइम जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो इंटरनेट की पहुंच बहुत लोगों तक नहीं थी, और ये आई मैक इसीलिए लॉन्च किया गया था जिससे कि इंटरनेट बहुत ही तेजी से चलाया जा सके। और दोस्तों जैसे जैसे समय बदला, आई को इंटरनेट, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म और इंस्पायर समझा जाने लगा। दोस्तों मैंने आपसे पिछले अपने फैक्ट वीडियो में ब्लैक डायमंड एप्पल के बारे में जिक्र किया था, जो कि हनी से भी ज़्यादा मीठा होता है। अगर आप चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों अब और बात करते हैं एक तरीके की दूसरे एप्पल की, जिसका नाम होता है घोस्ट एप्पल। जी हाँ दोस्तों, घोस्ट एप्पल एक फ्रीजिंग रेन से बनता है, और ये अमेरिका के मिशिगन सिटी में इसका फॉर्मेशन कैसे होता है आगे देखते रहिए। मिशिगन का जो क्लाइमेट है वो घोस्ट एप्पल के फॉर्मेशन के लिए एकदम सुटेबल रहती है,
और जैसे ही फ्रीजिंग रेन जो है ये एप्पल पे सेटल होती है तो और दोस्तों ये इमीडिएटली ही एक बर्फ की कोटिंग बना देती है। और जैसा कि हम जानते हैं जो एप्पल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो पानी से बहुत ही कम होता है, और जैसे ही क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म होता है तो जो एप्पल है वो जल्दी से डिफ्रॉस्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से जो एप्पल रॉट हो के दोस्तों जो आइसी शेल होते हैं उसके नीचे से वो गिर जाता है, और इसी को ही घोस्ट एप्पल के नाम से जाना जाता है। Hey friends, thanks for watching and please support this channel by giving thumbs up over the like and subscribe button and hit the bell icon. I will be back with more interesting and random amazing fact video. Till then, take care. Bye-bye.